क्या बात है, बड़ी कैटवॉक हो रही है। एक्चुअली कुछ इसी अंदाज में कॉन्फिडेंट कदमों के साथ उन्होंने की थी रैंप पर एंट्री। उसके बाद मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद वो छा गई मॉडलिंग वर्ल्ड में, और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में ऐसी एंट्री मारी कि हो गई हिट। कई सुपर डुपर हिट फिल्में देने के बाद वो बन गई बॉलीवुड की धड़कन। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो होती चली गई कामयाबी से दूर? हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर की, जो अचानक हो गई बॉलीवुड से गायब। नब्बे के दशक में जब प्यार किसी से होता है वास्तव और कच्चे धागे जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद नम्रता शिरोडकर धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर हो गई। 16 साल बीत गए और नम्रता गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्सी दोबारा नम्रता को लाइमलाइट में ले आई। नम्रता शिरोडकर का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब जांच शुरू हुई सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन सामने आया। इस मामले में कई स्टार से पूछताछ भी हुई, क्योंकि ड्रग्स चैट में कोड वर्ड के रूप में उनके नाम सामने आए थे। इनमें एक कोड एन भी था, जिसे नम्रता शिरोडकर से जोड़ा गया था। हालांकि ना तो आज तक जांच एजेंसीज ने नम्रता को कोई समन भेजा है और ना ही ऑफिशियल तौर पर कहीं नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आया है। तमाम कयासों और रूमर्स पर नम्रता शिरोडकर ने अब तक कुछ भी नहीं कहा। हाल ही में वो मुंबई भी आई और फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिनर डेट की इन तस्वीरों को उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया। तस्वीरें तो तीन हैं, लेकिन इन तस्वीरों को लाखों में मिले लाइक्स, ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि नम्रता शिरोडकर के फैंस उन्हें आज भी खूब मिस कर रहे हैं। तलाश के हमारे इस एपिसोड में हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि नम्रता शिरोडकर तक पहुंचा जाए, उनसे मुलाकात की जाए, बात की जाए और उन्हें आपसे रूबरू करवाया जाए। नम्रता शिरोडकर तक पहुंचने के लिए हम अब मिलेंगे नम्रता शिरोडकर के करीबी को-स्टार से। हो सकता है नम्रता इनमें से किसी के साथ टच में हो, और हो सकता है इन्हीं से बात करने के बाद हमें नम्रता से जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट लीड मिल जाए। नम्रता की तलाश में दूसरी टीम निकलेगी मुंबई के उस इलाके में जहां पे नम्रता शिरोडकर रहा करती थी। हम उस फोटोग्राफर और नम्रता के उन फैमिली मेंबर्स से भी मिलने की कोशिश करेंगे जिनके साथ नम्रता हाल ही में नजर आई थी। नम्रता शिरोडकर की फैमिली का फिल्मों से पुराना नाता रहा है। उनकी दादी मराठी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और छोटी बहन शिल्पा शिरोडकर नम्रता की एंट्री से पहले ही बॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश कर चुकी थीं। लेकिन नम्रता ने फिल्मों में आने से पहले कई बिग ब्यूटी पेजेंट्स में अपनी किस्मत आजमाई और कामयाबी की कहानी लिख दी। शुरुआत मिस इंडिया के खिताब से हुई। मिस यूनिवर्स कंपटीशन में फिफ्थ पोजीशन और मिस एशिया पैसिफिक की फर्स्ट रनर अप रहने वाली नम्रता ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया और फिर बॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जब प्यार किसी से होता है, ये थी नम्रता की डेब्यू फिल्म और इनके साथ थे सलमान खान, और इस फिल्म में उनका सलमान खान के साथ गाना हो गया था सुपरहिट। अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं इसी गाने के कंपोजर जतिन पंडित के पास और प्रोड्यूसर रमेश तोरानी से हम बात करेंगे। हो सकता है नम्रता से जुड़ी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमें दे पाए। बड़ी सिंपल एक्ट्रेस हैं, अच्छा म्यूजिक मिला है उनको और अच्छी फिल्में मिली। देखिये वन टू वन बेसिस तो मेरी बात नहीं हुई उनसे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उनको म्यूजिक बड़ा अच्छा मिला है हमारा। जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना, ओ जाना न जाना,
जाना। तो हमको ऐसा लगा कि शी इज अ गुड फेस, हमारी पिक्चर का मेन गाना मतलब वो जाना, वो उसके ऊपर पिक्चराइज था, तो आई थिंक वो, लेकिन वो पिक्चर में काम करके हमको इतना अच्छा लगा और शी इज सो टैलेंटेड। जब अलबेला में अपॉर्चुनिटी आई और कच्चे धागे में अपॉर्चुनिटी आई तो हमने उसमें भी नम्रता शिरोडकर को लिया, शी इज़ वेरी गुड। दो तीन बार वो बॉम्बे आई हैं, एक मैरियट में मिले थे हम लोग, तो वहाँ भी मुलाकात हुई थी। जब भी वो मिलती हैं बहुत वार्मली मिलती हैं और बहुत अच्छी है। कोरोना की वजह से फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तोरानी की नम्रता शिरोडकर से हाल फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई है। अब ऐसे में काम करते हैं, हम बात करने वाले हैं नम्रता शिरोडकर के कुछ को स्टार्स से जिन्होंने नम्रता के साथ उनकी एक और सुपर डुपर हिट फिल्म वास्तव में काम किया था। हमने वास्तव के डायरेक्टर महेश मांजरेकर को कांटेक्ट करने की कोशिश की जिनके डायरेक्शन में नम्रता ने कई फिल्मों में काम किया है। तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो महेश मांजरेकर से हमारी बात हो पाई और ना ही उन्होंने हमारे किसी मैसेज का कोई जवाब दिया। लेकिन वास्तव में नम्रता के को-स्टार रहे संजय नार्वेकर ने हमें मिलने का समय जरूर दिया। नम्रता जी इतने उनके नाम की तरह नम्र है, लेकिन जब वो कैरेक्टर में घुसती है तो क्या चेंजेस हो जाते पता नहीं। आखिरी बार मैं सेट पे ही मिला था, भारतीयर के सेट पे, तब वो माँ का रोल अदा कर रही थी। उसके बाद शायद उनकी शादी हो गई और वो चली गई हैदराबाद, तो मुलाकात नहीं। संजय नार्वेकर ने नम्रता शिरोडकर के हैदराबाद शिफ्ट होने की बात कही और इसके पीछे की वजहों का खुलासा किया नम्रता की फिल्म दिल विल प्यार व्यार के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक वासवानी और अनंत महादेवन ने। मैंने नम्रता की मोस्टली सारी पिक्चरें देखी हैं। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ हर करियर, दिल विल प्यार व्यार। उसके बाद शी मैरिड महेश बाबू और हैदराबाद में सेटल हो गई। आई थिंक दैट शी रियलाइज की हीरोइन का टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। जितना काम मिलते अच्छा काम मिला, इज्जत के साथ काम करती थी, इज्जत के पैसे लेती थी। नम्रता ने पहले से ही बॉलीवुड की फिल्मों के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। तेलुगु फिल्म वामसी की शूटिंग के दौरान उनकी निगाहें तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू से टकराई और ये प्यार बदल गया शादी के रिश्ते में। I'm very happy that she's married into a film family and I'm in touch with her on Facebook. We send one another messages on birthday. I am very fond of her. Her husband is outstanding superstar. She is one of the prettiest actresses we have and one of the most talented actresses we have. Aur us hisab se dekha jaye to she should have done much more work. She should have attained greater stardom. बॉलीवुड में ज्यादा सक्सेस ना मिलने के पीछे नम्रता शिरोडकर के रॉन्ग लॉन्च को वजह माना जाता है। पुकार जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा होना भी नम्रता के फेवर में नहीं गया क्योंकि फिल्म में ज्यादा एडवांटेज बड़े नामों को ही मिला। रॉन्ग लॉन्च रॉन्ग रिलीज। इफ यू आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड इट हैज टू बी अ व्हीकल इन व्हिच यू डू योर बेस्ट, नॉट अ फिल्म, इट हैज टू बी व्हीकल। हर सिस्टर शिल्पा शिरोडकर वाज हैंडल्ड बाय रिकू, वाज द मोस्ट पावरफुल सेक्रेटरी। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का सेक्रेटरी था, ही गॉट हर अ वंडरफुल रोल विद अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित इन पुकार, लेकिन वो सेकंड लीड था। तो वहाँ से शी वॉज गेटिंग गुड रोल्स बट नथिंग दैट यू कुड से कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऐसा रोल था, दे डिडंट डू जस्टिस टू हर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितना फसाना है ये बात तब साफ हो सकती है जब इस पर शिल्पा शिरोडकर सामने आकर बोलेंगी। वेल, हमारी टीम पहुंच गई है मुंबई के खार इलाके में जहां पर रहती है नम्रता शिरोडकर की सिस्टर शिल्पा शिरोडकर। तमाम कोशिशों के बावजूद हम शिरोडकर फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलने में नाकाम रहे। हमने उनकी बहन शिल्पा शिरोडकर से फोन पर बात करने की भी कोशिश की। The mobile phone you are calling is currently either switched off or outside the coverage area.
तो देखो अभी हमने कुछ ही देर पहले शिल्पा जी को कॉल किया था, तब रिंग जा रही थी, लेकिन अब शायद स्विच ऑफ बताने लग गया है। शायद उन्हें पता चल गया है कि हम इंडिया टीवी से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं या मीडिया उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही है, तो इसी वजह से उनका फोन अभी स्विच ऑफ बता रहा है। हालांकि हमारी कोशिश जारी रहेगी। हो सकता है कोरोना की वजह से फैमिली ने दूरी बनाने का फैसला किया हो। वेल, हम अब कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे नम्रता शिरोडकर के फैमिली फ्रेंड और मशहूर फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर से। अविनाश गोवारिकर के साथ ही नम्रता की वो डिनर वाली तस्वीरें सबके सामने आई थी, लेकिन हमने जब अविनाश को मैसेज किया और कॉल किया तो उनका जवाब भी ना में था। हेलो सर, आशुतोष हियर फ्रॉम इंडिया टीवी। सर ये सर स्पोक टू यू फॉर एन इंटरव्यू, नम्रता मैम पे एक एपिसोड कर रहे थे हम, तो उसके लिए आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाह रहे थे सर। मैंने आपको रिप्लाई किया ना, आप पहले नम्रता से बात करो। ओके ओके। अब मैं ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि इन सबके इनकार के पीछे वजह क्या है। आखिर क्यों कोई कैमरा के सामने बोलने के लिए रेडी नहीं है? क्या इस सबके पीछे नम्रता शिरोडकर का स्टैंड है मीडिया से इंटरेक्ट ना करने का और ना ही किसी और को करने देने का? हो सकता है यही रीजन हो। इन सब के इनकार की वजह क्या है, ये तो नम्रता शिरोडकर से मिलकर ही सामने आएगा। शादी के बाद नम्रता अब पूरी तरह से हैदराबाद में सेटल हो चुकी हैं। नम्रता ने खुद को फैमिली लाइफ में बिजी कर लिया है। हमें हमारे तलाश के मिशन का रुख मोड़ना होगा हैदराबाद की तरफ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, क्या ब्रेक के उस पार हमारी हो पाएगी नम्रता से मुलाकात? हटाएंगे सस्पेंस से पर्दा, देखते रहिए तलाश नम्रता शिरोडकर की। नम्रता शिरोडकर की तलाश के लिए अब हम रुक करने वाले हैं मुंबई टू हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में रहती हैं नम्रता शिरोडकर और हैदराबाद के हमारे रिपोर्टर राघवन के पास एड्रेस है नम्रता शिरोडकर के घर का। अब वो नम्रता से कांटेक्ट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। बॉलीवुड को गुड बाय कहने के बाद हैदराबाद में ही रहती हैं नम्रता शिरोडकर। नम्रता के पति महेश बाबू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं। हैदराबाद के पॉश इलाके फिल्म नगर में नम्रता और महेश बाबू का एक खूबसूरत सा आशियाना है। अब यही ठिकाना नम्रता शिरोडकर की तलाश की आखिरी मंजिल भी होगी। रोड नंबर 81, हाउस नंबर 397, यही है नम्रता के हैदराबाद वाले घर का एड्रेस। क्या नम्रता हमारे कैमरे के सामने आएंगी? क्या हमारी तलाश पूरी हो पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड ड्रग केस कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद नम्रता ने अभी तक किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। घर के बाहर पहुंच गए लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे कांटेक्ट करने की हमारी सारी कोशिश नाकाम साबित हुई। हमने उनके पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। नम्रता के इनकार भरे रुख की वजह से ना तो हमारी उनसे बात हो पाई, ना ही हमारी उनसे मुलाकात हो पाई। और हमारी तलाश बीच में ही रुक गई, यानी कि तलाश रह गई अधूरी। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल हम ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर कोई एक्टर अपनी मर्जी से सामने नहीं आना चाहता है तो हम उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। नम्रता शिरोडकर के घर पहुँच कर भी हमारी तलाश अधूरी रह गई, लेकिन हम इतने पर भी हार मानने वाले नहीं थे। तलाश की टीम अब एक आखिरी कोशिश और करेगी। हम नम्रता को फोन के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो हमने कॉल लगा दिया है नम्रता शिरोडकर को। हाय हेलो, हाय इज दिस नम्रता? नम्रता शिरोडकर ने फोन उठाया था लेकिन आपने देखा उन्होंने हमारा फोन कट कर दिया। तो हमने पूरी कोशिश की नम्रता तक पहुंचने के लिए लेकिन आपने देखा नम्रता के इनकार भरे रुख से ना तो हमारी उनसे मुलाकात हो पाई और ना ही हमारी उनसे ठीक से बात हो पाई। लेकिन हम एक्टर की प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे क्योंकि अगर कोई शख्सियत खुद से कैमरा पर नहीं आना चाहता तो हम उन्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। नम्रता शिरोडकर का स्टैंड अपनी जगह कायम है लेकिन उन्हें जानने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड में नम्रता शिरोडकर के कमबैक का कर रहे हैं इंतजार। डेफिनेटली उनको कमबैक करना चाहिए, आई थिंक उनको काम मिलेगा और उनको अच्छे रोल्स मिलेंगे। यू नो यू आर हैप्पीली मैरिड, योर किड्स आर ग्रोइंग अप एंड यू सेटल डाउन इन हैदराबाद, लेकिन अगर बाय मिस्टेक आप अगर आना चाहती हो वापस तो मैं दिल दिल प्यार दार पार्ट टू सिर्फ आपके साथ बनाऊंगा। नम्रता शिरोडकर काश हमारे कैमरा के सामने आती, खुलकर हमसे बात करती और उनके फैंस उन्हें बस देखते रह जाते जो उन्हें सालों से कर रहे थे मिस, और काफी बातों पर हमें क्लैरिटी भी मिल पाती। आई होप नम्रता ने हमारा एपिसोड देखा होगा और किसी न किसी दिन हमें फोन करके वो जरूर कहेंगी आई एम रेडी फॉर एन इंटरव्यू। तलाश एक सितारे की आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम किसके साथ आ रहे हैं देखिए एक झलक ओनली फॉर यू।